तो दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो अंडर 10,000 रुपये के प्राइस में, तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पर टॉप 6 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में आपको बताया है, जो कि दोस्तों ये सारे फोन इस टाइम के सबसे बेस्ट रैंकिंग वाले स्मार्टफोन हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गेमिंग के लिए अच्छे प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन चाहिए, या फिर फोटोग्राफी के लिए अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए, या फिर दोस्तों आपको डेली यूज के लिए एक सबसे बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, तो इस वीडियो में आपको आपके पसंद के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्किल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में टोटल 6 फोन है और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर 6 से और धीरे धीरे करके हम नंबर 1 तक जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखना, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, नंबर 6 पर है सैमसंग का नया स्मार्टफोन, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M02S। दोस्तों, इस फोन को सैमसंग ने हाल ही में लॉन्च किया है और इसमें आपको 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसके डिजाइन से। तो इसकी जो बैक बॉडी है वो प्लास्टिक की बिल फिनिशिंग के साथ आती है और ये फोन आपको ब्लैक, ब्लू, रेड तीन कलर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस फोन में आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन इस फोन में आपको कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं इस फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो इसमें 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले लगी हुई है और ये जो डिस्प्ले है वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले है, यानी कि इसमें आपको वाटर ड्रॉप का स्टाइल देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरे के साथ। दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है IPS डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर आपको TFT LCD देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अभी जितने भी नए स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें आपको IPS LCD देखने को मिल जाता है, तो डिस्प्ले एवरेज टाइप का है। और आगे चलते हैं और बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इसके बैक साइड को आप देखो तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर तीन कैमरे लगे हुए हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है, इसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है, तो इस फोन में आपको कैमरा ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है वो उसी तरह से पुराना है जैसे कि इसकी डिस्प्ले, तो दोनों चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी पुरानी दी गई है और दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज से थोड़ी सी कम है। वैसे दोस्तों, यहाँ पर आपको 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, साथ ही से आप एक्सपेंड भी कर सकते हो 1TB तक। वही दोस्तों, इस फोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर आपको इसके बॉक्स में 7.5 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये फोन 15 वाट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये फोन आपको 9999 रुपये में देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। अब दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले और परफॉर्मेंस दोनों ही एवरेज से थोड़ा सा पीछे देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग बहुत ही अच्छा है और साथ ही कैमरा भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा जिनको एक सैमसंग का अच्छा स्मार्टफोन चाहिए डेली यूज के लिए। तो नंबर 5 पर है रियलमी का रियलमी नार्जो 20A। यहाँ पर इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है और विक्ट्री ब्लू और ग्लोरी सिल्वर दो कलर में ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके बैक साइड में है, साथ ही इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस फोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.5 यानी कि 6.5 इंच की HD+ वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और इसमें भी आपको वाटर ड्रॉप का नोच यानी कि वाटर ड्रॉप वाला स्टाइल देखने को मिल जाएगा सेल्फी कैमरे के साथ। साथ ही दोस्तों, इस फोन में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Version 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको मिल रहा है दोस्तों, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिल जाता है। इसमें जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, इसके साथ यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों, कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है बहुत ही कमाल का है, इसमें आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हो और डेली यूज के लिए ये फ़ोन बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसके साथ इसमें आपको 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, साथ ही से आप एक्सपेंड कर सकते हो 256GB तक। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बैटरी की।
तो यहाँ पर भी आपको 5000 एमएच का बैटरी देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके बॉक्स के अंदर में 10 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। इसके प्राइस की बात करें तो ये फोन आपको 9499 रुपए में देखने को मिल जाएगा, 4GB प्लस 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ। फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले बहुत ही कमाल का मिलता है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही तगड़ा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, और यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो इस फोन में आप गेमिंग भी कर सकते हैं और डेली यूज के लिए भी ये फोन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों नंबर 4 पर है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स हॉट 10। यहाँ पर इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो इसकी जो बैक बॉडी है वो प्लास्टिक की बिल्ड फिनिशिंग के साथ आती है, और इसमें आपको 4 कलर देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इसके बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके मेन फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको 6.78 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले पंचोल डिस्प्ले है, यानी कि इसमें आपको पंचोल का स्टाइल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 6.7 इंच यानी कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इस फोन में। आगे चलते हैं बात करते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का सलोट देखने को मिल जाएगा, जिसमें 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं बात करते हैं सेल्फी कैमरे की। तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है दोस्तों। और बात करते हैं अब इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो का G70 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, और ये जो प्रोसेसर है इसमें भी आप हल्की फुल्की गेमिंग आप कर सकते हो। आगे चलते हैं बात करते हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पर आपको 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, साथ ही 256GB तक आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। वहीं दोस्तों इस फोन के बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर आपको 5200 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा चार्जर देखने को मिलता है, यानी कि इस फोन में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसका प्राइस आपको 9499 रुपये में देखने को मिल जाएगा। और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, कैमरा भी ठीक ठाक है दोस्तों, और बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक है। ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज़ अच्छा है, लेकिन ये फ़ोन किसको लेना चाहिए? तो जिसको एक बड़ा स्क्रीन चाहिए ना, उसके लिए ये फ़ोन अच्छी चॉइस हो सकती है, डेली यूज के लिए भी और थोड़ा बहुत गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों नंबर 3 पर है टेक्नो का टेक्नो पोवा। दोस्तों यहाँ पर इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर कलर थोड़ा सा दूसरा देखने को मिल जाता है, लेकिन डिजाइन हॉट 10 जैसा ही है। ये फ़ोन आपको 3 कलर में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके बैक साइड को आप देखो तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.8 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि दोस्तों पंच होल डिस्प्ले, यानी कि इसमें भी आपको पंच होल का स्टाइल देखने को मिल जाएगा हॉट 10 जैसा। तो दोस्तों इसमें भी आपको 6.8 इंच यानी कि काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। आगे चलते हैं बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरे की। तो इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें जो मेन कैमरा है दोस्तों वो है 16 मेगापिक्सल का, साथ ही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि सभी फ़ोन में आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो का G80 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों G80 जो चिपसेट है इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, अच्छी गेमिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ ही इसमें आपको 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है, और 256GB तक आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। अब दोस्तों फाइनली एक चीज़ बचा है, जो कि है बैटरी। दोस्तों इस फोन में आपको 6000 एमएच की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये फ़ोन आपको 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे सकता है। अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 10000 रुपये से स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन अभी 4% थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, और इसका प्राइस है 10499 रुपये। लेकिन दोस्तों प्राइस जिसका बढ़ता है उसका घट भी जाता है, तो ये फ़ोन आपको 10000 रुपये के प्राइस में देखने को मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। अब इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों फाइनली इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ा मिलता है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, कैमरा भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। तो ये फ़ोन किनको लेना चाहिए? तो इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, लगभग 7 इंच का डिस्प्ले है, तो बड़ी डिस्प्ले चाहिए और गेमिंग भी करना है तो ये फ़ोन आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है।
तो दोस्तों नंबर दो पर है Xiaomi का Poco M2। दोस्तों इसके लुक और डिजाइन की बात करें तो बिल्कुल ही सिमिलर दिखेगा Redmi 9 Prime जैसा, और ये फ़ोन भी तीन चार कलर में देखने को मिल जाता है। इसके बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही ये फ़ोन Android 10 के साथ आता है और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है जो कि है स्पेस प्रूफ का। चलिए दोस्तों आगे और बात करते हैं अब इस फ़ोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले है, यानी कि इसमें आपको वाटर ड्रॉप का स्टाइल देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस फोन की जो डिस्प्ले है वो पिछले सभी स्मार्टफोन से बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों और अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरे की। तो इसके बैक साइड में आप देखो तो यहाँ पर आपको क्वाड यानी कि चार कैमरे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा हुआ है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का माक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। और आगे चलते हैं बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio का G80 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि पिछले वाला स्मार्टफोन में भी था, और ये दोनों प्रोसेसर सेम है और इसमें भी आप गेमिंग कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें आपको 6GB का रैम देखने को मिलता है, साथ ही 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाती है और 512GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। आगे यहाँ पर इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही ये फ़ोन 18W तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों इसके बॉक्स में आपको 10W का ही चार्जर देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों इसके प्राइस की बात करें तो ये फोन आपको 6GB रैम के साथ 10,000 रुपये का प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है और फास्ट चार्जिंग और बैटरी बैकअप भी कमाल का है। 6GB रैम के साथ ये फ़ोन काफ़ी यूनिक हो जाता है। तो अगर आपको 6GB रैम वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप पोको M2 को परचेज कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अब बात करेंगे हम नंबर वन वाले स्मार्टफोन के बारे में जो कि है दोस्तों रियलमी का रियलमी नार्जो 20। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का डिजाइन देखने को मिल जाता है और ये फ़ोन आपको दो कलर में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो बैक बॉडी है वहाँ पर आप देखो तो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें भी आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के मेन फीचर्स की। तो इसमें आपको 6.5 यानी कि 6.5 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि वाटर ड्रॉप नोच स्टाइल के साथ आती है। इसके साथ यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस नहीं है, HD प्लस है, लेकिन दोस्तों डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पर कैमरे की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरे का स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, कमाल का कैमरा है दोस्तों। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माक्रो कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इस फोन में आपको बहुत ही कमाल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio का G85 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, बहुत ही कमाल का प्रोसेसर दोस्तों, इस प्राइस रेंज में सबसे तगड़ा प्रोसेसर इसी फ़ोन में देखने को मिलता है। इसके साथ इसमें आपको 4GB का रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाएगी, साथ ही आप इसे 256GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। फाइनली अब बात करेंगे इसके बैटरी की। तो इस फ़ोन में आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और ये फ़ोन भी 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोस्तों ये फ़ोन आपको 500 रुपये महंगा मिलेगा क्योंकि इसका प्राइस है 10,500 रुपये, लेकिन दोस्तों डिस्काउंट में लेते हो तो आपको ये फ़ोन 10,000 रुपये मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये फ़ोन आपको सिर्फ 500 रुपये महंगा मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, अच्छा कैमरा मिल रहा है जो कि किसी भी फ़ोन में नहीं था। तो डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग दोनों ही अच्छे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही तगड़ा कैमरा देखने को मिलता है, काफी अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब आप मेरी बात ध्यान से समझना अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है टॉप 6 स्मार्टफोन जो कि 10,000 रुपये के बजट के सबसे अच्छे स्मार्टफोन है। अब आपको कौन सा लेना चाहिए? तो जो सैमसंग वाला स्मार्टफोन है वो तो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग वाले ही लेंगे जिनको एक सैमसंग का अच्छा स्मार्टफोन चाहिए। उसके बाद जितने भी स्मार्टफोन मैंने आपको बताया है
इन सभी फ़ोन में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो नंबर वन और नंबर टू का स्मार्टफोन है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि नंबर वन वाले स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों नंबर टू वाले स्मार्टफोन में आपको 6GB का रैम और फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो दोनों ये स्मार्टफोन थोड़े से यूनिक टाइप के हैं, लेकिन दोस्तों सभी स्मार्टफोन अच्छे हैं, आपको जो भी चाहिए भाई आप उसे ले सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर थोड़ा कम है तो आप चैनल पे जाओ, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।